रोशनाबाद के शिवम एकेडमी में 3 बच्चों के गुमशुदा होने की शिकायत अभिभावकों द्वारा सीओ से मिलकर सिटकुल में दर्ज की गई। आपको बता दें कि 30 जनवरी को उनके 3 बच्चे घर के बाहर से गायब हो गए थे, जिसकी पुलिस को खबर की गई थी और पुलिस की बच्चों की कोई खोज नहीं कर पाई, जिस पर उन्होंने सीओ से मिलकर बच्चों को खोजने और उन्हें सकुशल बरामद कराने की मांग की। पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी कैमरों में बच्चों को ट्रेन में बैठते देखा गया है। वहीं सीओ ने भरोसा दिलाया कि बच्चों को सकुशल उन्हें सौंप दिया जाएगा। हमारे 30 तारीख के दोपहर को लगभग 2 बजे बच्चे गायब हो गए, 3, एक इनका है, एक मेरा है और एक इनका है। क्या क्या नाम है? एक मेरे लड़के का नाम विकास है, विवेक कुमार, आदर्श तिवारी। कितने साल? ये साहब 14 साल के आसपास है, 3 लोग, कोई 13 कोई 14 साल का। और कहां से गुम हुए? ये रोशनाबाद से हुए जी, रोशनाबाद। इनकी फोटेज निकलवाई तो ये हरिद्वार रेलवे स्टेशन तक मिले, उसके बाद हमारी कोई सुनवाई किसी प्रकार की नहीं हो रही है। कहाँ पर सूचना दी आपने? हमने पूरी उसी दिन थाने में दे दी सूचना। कौन से थाने? सिटकुल थाना हरिद्वार। उसके बाद हमारी कोई सुनवाई नहीं। एक दरोगा जी हैं, वो उनके पास जाते हैं, देवेंद्र सिंह चौहान, वे अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, अकेले लगे हुए हैं उसमें। उनकी कोई हम इतनी वो भी नहीं कह सकते, लेकिन अभी तक कोई किसी तरह का क्लू नहीं मिल गया। हरिद्वार से आ गया अभी तक कोई भी? अभी तक कोई हिसाब किताब हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें क्या ना करें। हम आज इसलिए आए हैं कि हमें हमारे बच्चे दिलवा दो। हम बहुत परेशान हैं, इतने परेशान हैं कि हमारे घर में खाना नहीं खाया जा रहा कितने लोगों। बस इतने कहना चाहूँगा कि हमारे बच्चे हमें मिल जाए। मैं अजय तिवारी बोल रहा हूँ। मेरा लड़का आदर्श तिवारी 2 बजे 30 तारीख 30 दिसंबर को और 30 जनवरी को 2 बजे 2 बच्चों के साथ निकल गया। दूसरे का नाम है विवेक कुमार, एक का नाम है विकास कुमार और हमारे बच्चे का नाम है आदर्श तिवारी। ये 3 बच्चे हम लोग रोशनाबाद पता करते हुए और फिर स्टेशन रेलवे बस स्टैंड हर जगह पता किए। फिर 10 बजे रात हम जाके सिटकुल थाना हरिद्वार में तहरीर दिए। 3 बच्चे अकेले दिखे गए या किसी के साथ? नहीं, एक साथ दिखे गए। वीडियो जो रोडों पे वीडियो थे रोशनाबाद के वहाँ दिखे गए। और इसके बाद फिर हम लोग जो है हम लोग जो है फिर एप्लीकेशन दिए। एसएसपी ऑफिसर क्या आश्वासन दिया आपको? अभी तो यहाँ कोई आश्वासन नहीं है। सीओ साहब मिले, आप बच्चे को आप भी खोजो, हम खोज रहे हैं। और फिर हमारे यही काम नहीं है, और काम है हमारे पास। सीओ क्या नाम है उनका? कौन सा चौहान जी हैं? ठीक, कोई चौहान जी हैं। ये दरअसल कुछ दिन पहले जो है 3 बच्चे, जिसमें एक बच्चा पहले भी 2021 में चला गया था, फिर वो वापस मिल गया था पुलिस के प्रयास से ही। और अब 3 लड़के 2 अपने साथियों को और लेके ये चले गए हैं और रेलवे स्टेशन तक इनको ट्रेस किया गया है। वहाँ अहमदाबाद जो ट्रेन जाती है उस ट्रेन से ही जाना तस्दीक हो रहा है, तो उस ट्रेन पे जो है पुलिस कर्मी को भेज दिया गया है, क्योंकि 3 बच्चे हैं, गंभीर मामला है और 13-14 साल के बच्चे हैं। कुछ पैसे वैसे भी लेके गए हैं घर से? ये पैसे इनके पास करीब 800-900 रुपये बता रहे हैं इनके पास है, तो 800-900 रुपये हैं उसमें, जितने क्योंकि 8-10 दिन हो भी गए हैं इनको, तो उस रूट पर जो है पुलिस टीम को भेज दिया गया है, उन्हें बता दिया गया है। तत्काल वहाँ सीसीटीवी कैमरे जिस भी रेलवे स्टेशन पर उतरे होंगे उसके आसपास क्षेत्रों में ट्रेस के लिए पुलिस टीम भेज